अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। लेट्स ओपन योर बुक ऑफ काउंटडाउन। स्टूडेंट्स, कल हमने पेज नंबर 88 के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या था? मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन थे, जो कि हमने इवन एंड ओड की मदद से किए थे। हमने इवन नंबर्स के ज़रिए अपना 2 का टेबल कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 89। लुक एट द नंबर स्क्वेयर। हमें स्क्वेयर में नंबर दिखाई दे रहे हैं। कलर ऑल इवन नंबर्स ब्लू बाय काउंटिंग इन टूज। इनको भी हमने ऐसे ही करना है। वहाँ हमने मिसिंग नंबर्स लिखे थे, यहाँ हमने जो इवन नंबर्स हैं 2 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं उनमें हमने ब्लू कलर करना है। और कलर आर द ऑड नंबर्स रेड। ऑड नंबर्स जो हैं उनमें कौन सा कलर करना है? रेड। तो आए बच्चे, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था? कलर आर इवन नंबर्स ब्लू। इवन नंबर्स में कौन सा कलर करना है हमने? ब्लू। तो देखते हैं कि यहाँ पे इवन नंबर कौन सा है। हमने पहले क्या पढ़ा था? पेयर्स में, जो पेयर्स में होते हैं जिनका जोड़ा बनता है वो इवन नंबर्स हैं। तो मेरे पास कितने कलर्स हैं? 2। यहाँ पे इवन नंबर क्या है? 2। इसमें हम ब्लू कलर करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमारा इवन नंबर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमने कौन सा कलर किया है? ब्लू। आए हम अगले नंबर की तरफ चलते हैं। हमने इसमें क्या करना है? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर जो हैं उनमें कलर करना है रेड। ऑड नंबर कौन सा है? जिनके पेयर्स नहीं बन सकते। जैसा कि मेरे हाथ में एक कलर है, इसका पेयर नहीं है, ये ओनली है, एक ही है। तो हम क्या करेंगे? 1 में रेड कलर करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हमने ऑड नंबर में कौन सा कलर किया है? रेड। और इवन नंबर में कौन सा किया है? ब्लू। ऐसे ही आपने ऑड नंबर्स में रेड और इवन नंबर्स में ब्लू कलर करना है। और अपना ये पूरा पेज आपने कंप्लीट करना है। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।